प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सरकारी संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण नया टास्क निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने इस बार के भाषण में देश की करीब 3 लाख संस्थाओं जैसे पंचायत नगर पालिका महानगर पालिका केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों और जिलों को हर साल 2 सुधार करने का आह्वान किया। यह कदम देश के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने और आम नागरिकों की समस्याओं को हल करने की दिशा में उठाया गया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर हर संस्था साल में सिर्फ 2 सुधार भी करती है तो उन्हें प्रभावी रूप से लागू करती है तो देश में लाखों सुधारों का जाल बिछ सकता है। इससे न केवल आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि यह राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि पंचायत स्तर तक आम आदमी को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनसे छुटकारा दिलाने के लिए हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 2 कार्यकालों के दौरान सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि बैंकों में किए गए सुधारों ने दशकों से चले आ रहे कुप्रबंधन को खत्म किया है और अब भारतीय बैंक दुनिया के सबसे मजबूत बैंकों में से एक बन गए हैं जो गरीबों छात्रों और किसानों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत को भी रेखांकित किया जिसमें आसान ऋण तकनीक का उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपादकीयों तथा सीमित नहीं है बल्कि ये सुधार देश को मजबूत बनाने के लिए है। इससे न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी खुले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्वर्णिम युग है और देश के युवा अब धीमी प्रगति नहीं चाहते बल्कि नई उपलब्धियों के लिए लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी।